नमस्कार, मेरा नाम है सुमित कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा की क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम रिवीजन की कड़ी में अभी तक बातें कर चुके हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। आइए बढ़ते हैं आगे, नया चैप्टर है अपने पास वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी सारे सवाल आपको दिखाई देते हैं प्रीवियस एग्जाम में इस चैप्टर से, और वर्क निकालने का ये जो सिलसिला है वो आपको काफी और चैप्टर में भी निकालने की जरूरत पड़ती है, भले ही वो फोर्थ चैप्टर कोई सा भी हो। जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाएंगे तो वहां पे फोर्स कोई और हो जाएगा, फोर्स आप कोई अलग अलग तरह के आगे जाके पढ़ सकते हैं 12th के चैप्टर्स के अंदर भी, लेकिन वर्क तो वहां भी निकालना पड़ेगा ना, कोई सा भी फोर्स होगा तो कोई भी वैरायटी का फोर्स होगा तो वहां पे वर्क निकालने की बात तो आएगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या होता है वर्क, मतलब किसी फोर्स के द्वारा वर्क किया गया, मतलब हम लोग क्या समझे आसान भाषा में अगर उसकी बात करें, तो क्या होता है बेसिकली वर्क। हेडिंग डाल देते हैं अपन वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, या वर्क एनर्जी एंड पावर बोल देते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। किस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है, शायद आपको उम्मीद है कि आप ये जानते होंगे कि भैया वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और जिस रेट से वर्क किया जाता है उसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन, उसको प्यार से अपन बोलते हैं पावर। तो ये तीनों आइटम आपस में कनेक्टेड हैं, वर्क एनर्जी पावर। वर्क इज बेसिकली अपन बात वर्क से शुरू करते हैं, किसी फोर्स द्वारा किया गया वर्क कैसे डिफाइन होता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक पॉइंट पे फोर्स लगा है, मान लो कि एक फोर्स लगा है जिसके कारण जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगा है, यानी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और मान लीजिए कि वो डिस्प्लेसमेंट डीएस हुआ है, और हम बात करेंगे तब वहां पे वर्क की बात करेंगे कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर को छोड़ के बाकी कोई डायरेक्शन में हुआ हो तब हम बोलेंगे कि इस वाले फोर्स ने वर्क किया है। अगर मैंने एक फोर्स लगाया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू दी जो फोर्स हम लगा रहे हैं, तब हम ये बोलेंगे भैया कि उस फोर्स ने वर्क किया है। अगर मैं मान लू कि यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं और इस बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तब फिजिक्स की भाषा में हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया कोई वर्क, मतलब कोई वर्क यहाँ पे नहीं हुआ है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये रिविजन है तो मुझे थोड़ा सा सीधा काम की मुद्दे की बात पे आना चाहिए। मान लो कि एक बॉडी है जहां पे एक फोर्स लगा है और इसके कारण इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि क्या हो गया है, डीएस इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, और फोर्स और डीएस के बीच का एंगल है मान लीजिए थीटा। डीएस इज द डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या है, फोर्स है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, डीएस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जिस बिंदु पे बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो वाले बिंदु का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डीएस है। तो किस तरह से मैथमेटिकली हम वर्क की बात करते हैं, बेसिकली एफ है, एफ इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डीएस, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क को अपन क्या बोलेंगे, एफ इंटू एस, है ना। इसको क्या बोल देंगे, एफ एस कॉस थीटा। एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार हो। मुद्दे की बातें करते हैं, तुरंत बताइए कैसी क्वांटिटी है स्केलर की वेक्टर, कोई भी बता देगा कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा भाई साहब, न्यूटन मीटर आएगा, इसको प्यार से अपन क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, ओहो, ये एसआई की बात करते हैं, अगर अपन सीजीएस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर, है ना। वन न्यूटन इज इक्वल टू आपके पास डाइन है, वन न्यूटन इज इक्वल टू डाइन की बात करते, टेन की पावर फाइव आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा आपका, अगर जूल की बात करेंगे, वन जूल की बात करेंगे क्या आ जाएगा आपके लिए, 10^5 टाइम इंटू 100 जो है आपका एक मीटर में सेंटीमीटर हो जाता है, तो वहां पे 10^5 इंटू 100 या 10^7 जो है वो आपका वहां वाले यूनिट में हो जाएगा, एक यूनिट होती है सीजीएस में अर्थ, तो 1 joule = 10^7। और ये भी बोल सकते हैं कहीं काम आ जाए तो। खैर मुद्दे की बात करते हैं, छोटी छोटी बातें, ओ बहुत शानदार। अगर अपन डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, लाला ML²d-2। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी, गोली की रफ्तार से मैंने आपको बता दी, कोई बहुत ज्यादा खास चीज
है नहीं। अगर अपन ध्यान से देखें, तो हमारे पास जो वर्क आया है वो आया है आपका F into S into cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन, F एंड S, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि यहाँ पे अगर अपन F डॉट ds लिखते हैं, ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ds इज द क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप मुझे ये बताइए कि फोर्स इंटरवल में डिफाइन होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। क्या कोई आपसे ये बोल सकता है कि t = 2 सेकेंड पे फोर्स, सॉरी वर्क बताइए, t = 2 सेकेंड पे वर्क बताइए, क्या बता पाइएगा? नहीं। आप कोई बोले कि 2 सेकेंड के इंटरवल में वर्क बताइए, फिर आप बता पाएंगे। तो वर्क ऐसी क्वांटिटी है जो कि इंस्टेंटेनियस नहीं होती है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वर्क बताइए, क्योंकि भैया वर्क होने के लिए फोर्स के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। कौन से पॉइंट का? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। और कौन सी डायरेक्शन में? मैंने कहा कोई भी डायरेक्शन चलेगी एक्सेप्ट द परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, उसके अलावा कोई भी डायरेक्शन में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो बेसिकली हम कहेंगे कि भैया उस फोर्स ने वर्क डन किया, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ds इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, तो अब ये कैसे डिफाइन होगा? ये मैंने कहा भैया इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता है, इंटरवल के लिए होगा, यानी है ना, फोर्स हमेशा इंटरवल में डिफाइन होगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर आप मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, एक बॉडी है जिसमें खूब सारे फोर्सेज लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, F1 लगा दिया, F2 लगा दिया, है ना, और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मान लो S हुआ है। तो जो F1 का वर्क होगा फॉर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या वो F2 की प्रेजेंट पे कुछ, प्रेजेंस पे कुछ डिपेंड करेगा? मैंने ऐसा करने वाला नहीं है। वर्क डन बाई ए फोर्स फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर फोर्सेज। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत सारे फोर्सेज होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में किसी पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि और कितने फोर्सेस वहां पे लग रहे हैं। जैसे F1 का वर्क, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बहुत छोटी सी एक और बात करूं कि F1 के कारण F1 का वर्क S डिस्प्लेसमेंट के लिए इस बात पे भी डिपेंड नहीं करेगा कि ये जो S डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके दौरान बॉडी एक्सेलरेट होके जा रही थी, डी एक्सेलरेट होके जा रही थी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही थी, है ना। यानी कि जो आपका नेचर है, यानी कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ तब एक्सेलरेशन था, रिटार्डेशन था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, इन सब पे डिपेंड करने वाला नहीं है। हमें बस फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। हमें ये मतलब नहीं है कि वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने एक्सेलरेट होके किया, डी एक्सेलरेट होके किया, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किया, इसकी कतई मतलब हमें वर्क निकालने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। बहुत छोटी सी बात है। एक और बहुत छोटी सी बात मैं करता हूं आपके लिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका जो फो वर्क है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, सोच के बताइए, वह क्या वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है? तो आप सोचिए, अच्छा वर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, और क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, क्या डिस्प्लेसमेंट करता है? मैंने कहा हाँ, तो क्या वर्क क्या होगा? फ्रेम डिपेंडेंट होगा। मैंने कहा हाँ, वर्क क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट है। वर्क क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट है। किसी कोई फोर्स ऐसा होगा जिसका आप ग्राउंड से देखेंगे तो वर्क डन कुछ आ रहा होगा, और उसी फ्रेम में बैठ के, जैसे कार एक्सेलरेट हो रही है तो उसी में अंदर बैठ के देखेंगे तो हो सकता है कि आपको जीरो दिखाई दे। कुल मिला के बात यह है कि वर्क इज बेसिकली फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम पे डिपेंड करेगा भाई साहब, क्यों? क्योंकि फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है। नहीं, फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसलिए वर्क आपका फ्रेम पे डिपेंड करता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अपन आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये बहुत जस्ट बेसिकली इंट्रो टाइप की बातें यहां पे हो गई है। अब अगर आप ध्यान से देखें,
ध्यान से देखिए, हमें सीधा काम की बात पे चलना चाहिए, हमें निकालना है वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है। मैंने कहा अच्छा तो आएंगे सवाल, मैंने कहा हाँ ये तो बेसिक बातें होगी, आप सवाल आएंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वर्क डन निकालिए। तो अलग अलग वेरायटी के सवाल लेते हैं अपन। मान लीजिए कि सबसे पहला वेरायटी जिसमें फोर्स कॉन्स्टेंट, क्या हो फोर्स कॉन्स्टेंट, रद्दी सवाल एकदम, एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगा दिया आपके लिए, एग्जाम्पल पहला वाला फोर्स कॉन्स्टेंट, आपको बोलेगी फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, हालांकि मास की कोई जरूरत नहीं है, दैट वाज कैप्ट एट ओरिजिन, मूव्ड टू पॉइंट ए पे रखा हुआ था और भाग के वो कहां चला गया, मान लो 1.2.3 पे उसको लेके चले गए, बताइए कि भैया ये वाले फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, ये वाले फोर्स ने कितना वर्क डन किया है इस वाले ब्लॉक को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने में कितना वर्क डन किया है। पहला सवाल बिल्कुल बहुत बेसिक, कर सकते हैं क्या, हमें पता है भैया फोर्स कॉन्स्टेंट है, फोर्स क्या है कॉन्स्टेंट, हमें क्या निकाल लेना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या हमें फाइनल पोजिशन पता है, हमें कहा इनिशियल पता है, कहा तो आपका एस वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या आ जाएगा 3k कैप, और ये आपका फोर्स है, f डॉट ds कर देंगे तो वर्क मिल जाएगा, यानी कि 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप का डॉट लेना है आपको, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वांटिटी आपके पास आती हुई दिखाई देगी, 2 + 2 - 3 यानी कि 1 जूल का वर्क डन हो जाएगा यहां पे। हाँ ये तो हो गया भैया, ये 2 हो गया 4 और -3 4 - 3 = है ना, कोई कैलकुलेशन उठला हो सकता है क्या, बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब आपको ये कई बार जो है ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया रहेगा, आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसान चीज बता क्यों रहे हो, वो हमको ये तो हमको पता है, उनका ऐसे ही तो सवाल आते हैं यार, आप नीट के प्रीवियस ईयर के सवाल उठा के देखिएगा, ये तो टफ हो गया, ये तो फिर भी टफ हो गया कि आपको पोजिशन दी है इनिशियल एंड फाइनल, इतने रद्दी सवाल आपको दिखाई देंगे कि आपको फोर्स दिया जाएगा, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी डायरेक्ट दिया रहेगा, बोले आप बताओ वर्क है ना, कितना आसान है। हाँ इतना आसान है, इतने ही तो ऐसे सवाल आते हैं, इसीलिए लोग 720/720 नंबर पा रहे हैं, आसान आते हैं सवाल, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब मैं ये नहीं कि मैं कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी करवा सकता हूँ, बट हमारे एग्जाम की डिमांड जो है, हमारे एग्जाम की डिमांड है जैसे सवाल आ रहे हैं ना वैसी प्रैक्टिस करना, और वैसे सवाल को मतलब सिली मिस्टेक नहीं करना, बिल्कुल किसी भी प्रकार की मिस्टेक वहां पे एग्जाम में हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कट ऑफ बहुत ही ज्यादा रहती है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। सीधा बढ़ते आगे, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे मैं ऐसा कोई रद्दी सवाल अभी नहीं करवाना चाह रहा कि भाई साहब ये से बॉडी पे 37 डिग्री के एंगल पे, 37 डिग्री के एंगल पे मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया है इधर 5 मीटर, बताइए कि ये 10 न्यूटन का क्या वर्क डन हुआ है, तो अबे F(S)(cos)97 नहीं आ जाएगा, आप मुझे बताइए कि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट का वर्क आया होगा, ये वाले कंपोनेंट का 0 आया होगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट होगा F cos थीटा, F sin थीटा, F sin थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है और जो अलोंग है वो आपका F cos थीटा × 5 हो जाएगा, उतना वर्क डन हो जाएगा, फोर्स यहां पे कांस्टेंट था, फोर्स यहां पे क्या था कांस्टेंट था। अच्छा वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, मैंने कहा जीरो कब हो सकता है, अरे आप ध्यान से देखिए आपने वर्क डन को क्या बताया था, आपने बताया था Fs cos थीटा, अब आप ध्यान से देखिए तो cos थीटा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, अगर आपके पास थीटा जो है थीटा इस एंगल बिटवीन एफ एंड एस है वो अगर लेस देन 90 हो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव होगा, थीटा अगर 90 हो 90 हो तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव होगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, मान ली बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है या 90 के अलावा किसी और एंगल पे इधर की तरफ हो रहा है, तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो वर्क डन आपके लिए क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी आइदर जीरो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत हो। अब अगर अपन छोटी छोटी बातें करें ये जरूरी नहीं फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहे, मैंने कहा नहीं फोर्स वेरिएबल हो सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लो कि एक बॉडी है और उस पे हमने फोर्स लगाया है और वो फोर्स है वेरिएबल, क्या है वेरिएबल है, अब वो वेरिएबल फोर्स भी तो दो तरीके का हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल दो तरीके का वेरिएबल फोर्स हो सकता है, एक वेरायटी बोल रहा हूँ, मैंने कहा फोर्स जो है पहली वेरायटी बोल रहा हूँ
पहला हो गया अपना फोर्स कांस्टेंट, अब क्या है फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स क्या है वेरिएबल है, मैंने कहा इसका मैं पहला केस ले रहा हूं, एफ इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है क्या फोर्स, एफ एक्स वाई और जेड का फंक्शन है कौन फोर्स है, मैंने कहा अच्छा भाई साहब मान लीजिए कि हमारे पास एक फोर्स ऐसा है एफ एक्स आई कैफ एफ वाई जे कैफ एफ जेड एफ जेड के कैफ न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है और इसके कारण बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है डीएस हुआ है, डीएस वेक्टर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो डी एक्स आई कैफ डी वाई जे कैफ एंड डी जेड के कैफ लिखा जा सकता है, मैंने कहा इतना मीटर होगा इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, मेरे लिए छोटा सा वर्क अगर बात करें डी डब्ल्यू टू एफ डॉट डी एस हो जाएगा, मुझे वर्क चाहिए होगा मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका एफ डॉट डी एस का है ना, अच्छा भाई साहब कहां से कहां तक, मैंने कहा मान लीजिए कि पहले था वो एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन पे और यहां से कहां चला गया है एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू पे चला गया, एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू पे चला गया, तो बताइए वर्क डन क्या होगा, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एफ एक्स इंटू डी एक्स ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी एफ एक्स डी एक्स और वैल्यू क्या आ जाएगी एफ वाई डी वाई और वैल्यू क्या आ जाएगी एफ जेड डी जेड है, कहां से कहां तक जा रहा भाई साहब एक्स वन से लेके एक्स टू तक वाई वन से लेके वाई टू तक जेड वन से लेके जेड टू तक, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तो आप कर लेंगे इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, उम्मीद है कि आपको डॉट लेना आता है, आपको डॉट लेना आता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मैं आपको ये बोलूं कि एक बॉडी है मास मान लीजिए इसका 2 केजी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है इस पे एक फोर्स लग रहा है और मैं आपको वो फोर्स दे दूं, मान लो कि वो वाले फोर्स की वैल्यू है मान लो कि भैया 3x² है ना 3x² i कैप प्लस 2y j कैप न्यूटन है, ऐसा बोल दिया मैंने कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना, अच्छा पहले बॉडी कहां रखी हुई थी ओरिजिन पे रखी हुई थी, कहां रखी हुई थी ओरिजिन पे रखी हुई थी, इस फोर्स की वजह से बॉडी कहां पहुंच गई है, मान लो बॉडी पहुंच गई है 1.2 पे, कहां पहुंच गई है 1.2 पे, तो बताइएगा भैया कि ये वाले फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, ये वाला फोर्स अपना क्या है 3x² i के प्लस 2y j के की इन्फ्लुएंस में ये बॉडी 0.0 से 2.0 पे पहुंच गई है, तो बताइएगा कि कितना वर्क डन ये वाले फोर्स ने किया, कोई टफ सवाल है क्या, एकदम रद्दी सवाल नहीं हो गया क्या ये आपके लिए, मैंने कहा हां वर्क अगर निकालना होगा तो आप क्या बोलिएगा 3x² into dx प्लस आपके लिए क्या आ जाएगा 2y, फोर्स क्या है 2y dy, अब लिमिट कहां से कहां तक है x में पहले 0 था बाद में कहां पहुंच गया है 1 पे 0 से लेके 1 पर और यहां से 0 से लेके 2 तक y में पहले क्या था 0 फिर कहां पहुंच गया है 2 पे, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार 3x² dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 2y dy फ्रॉम 0 से 2, अच्छा बहुत बढ़िया बस, अब अगर आप ध्यान से देखें तो 3x² का इंटीग्रेशन बहुत आसान है भैया 3x³ / 3 ये क्या बच जाएगा x³ बच जाएगा 0 से 1 है 2y है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y² / 2 है y² / 2 है सिर्फ y² ही रहेगा, लिमिट आपके पास कहां है 0 से 2 तक है तो ये वैल्यू आपके लिए आ गई 1 और ये वाली वैल्यू आ गई 4 - 0 = 4 तो ये आपका आंसर आ गया है 5 जूल का वर्क डन करेगा कौन भाई साहब अपना ये फोर्स 3x² i कैप + 2i j कैप न्यूटन का ये फोर्स बॉडी को कहां से कहां तक ले जा रहा है ओरिजिन से 1.2.0 पे, तो ये टफ सवाल हुआ, बोलेगा क्या है अगर तुझे ये लग रहा है कि ये सब क्या बताया जा रहा है तो तुम्हें बहुत अच्छे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको ये सब आता है, बस आपको क्या जरूरत है सही कैलकुलेशन करने की एग्जाम के अंदर, मतलब सारे सवालों में कोई इसलिए मिस्टेक नहीं हो, अब वो कैसा हो सकता है एक तो अच्छे काम कीजिए भगवान आपका हेल्प करेगा तुक्का भी लगेगा तो सही लगेगा, बाकी जो है इसलिए मिस्टेक हम मिनिमाइज कर सकते हैं जीरो भी कर सकते हैं वो आपकी अपने अपनी मतलब जो है कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, एक आध दो तो चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा होने से नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है, बाकी आप अपना अपना
काम कीजिए ताकि सिली मिस्टेक जो आपको आता हो एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से हो जाए और आपको इतना आता है कि आपको ढंग के मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, अब आप बोलेंगे साहब ये जरूरी है कि आपको जो है एक्स वाई जेड का ही फंक्शन आपको फोर्स दिखाई दे, फोर्स आपको ऐसा दिखाई दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, तो और किसका फंक्शन हो सकता है? मैंने कहा पहला केस लिया था हमने फोर्स वाले फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा एक और भी तो हो सकता है फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम है। मान लो कि मैंने फोर्स को एक फंक्शन बना दिया है टाइम का, फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, जरा ध्यान से देखिए फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम कर दिया है हमने। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लो कि मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक 2 केजी की बॉडी है, क्या है 2 केजी की बॉडी है। अच्छा भाई साहब ये इनिशियली रेस्ट में थी, है ना, क्या थी रेस्ट पे थी, मैंने कहा ठीक है इस पे एक फोर्स लगा, मैंने कहा ठीक है और फोर्स है 2T², क्या है 2T² न्यूटन, है ना। अच्छा भाई साहब टाइम वहां पे क्या है सेकंड में, टाइम क्या है सेकंड में, मैंने कहा अच्छा इस तरह से वेरी कर रहा है, अच्छा टाइम वहां पे सेकंड में है, इतना फोर्स लग रहा है और ये बॉडी जो है T = 0 पे स्टार्ट पहले रेस्ट में थी। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 2 सेकंड, फाइंड वर्क डन बाय YF इन 2 सेकंड। आपको कोई बोले कि 2 सेकंड में इस वाले फोर्स ने कितना वर्क डन किया तो बता पाइएगा, इतना आसान है, जरा ध्यान से सोचिए। आपको ये पता है कि वर्क डन होता है F.dx जो कि है आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, ds बोल दीजिए x में होगा तो वरना ds बोल दीजिए, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या पता है फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो फोर्स है उसको अगर आप यहां से रख देंगे 2T² हो जाएगा, यहां आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, आप इंटीग्रेट नहीं कर। एक बात बताइए बॉडी रुकी हुई है और उस पर फोर्स लग रहा है तो रुकी हुई बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा उसी डायरेक्शन में जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा तो बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा, तो ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा 2T² (ds)(cos0) जो कि हो जाएगा 1। अरे एक रुकी हुई बॉडी को अगर आप एक्सेलरेट करेंगे तो वो स्टार्ट कौन सी डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही स्टार्ट होगी, उसकी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो वो मूव उधर करेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, वो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ds के रेस्पेक्ट में t को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, तो हमें ds को भी t के फंक्शन में चाहिए, तो हमारे पास फोर्स है 2T², अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे T² आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन dv/dt (t²), dv is basically equal to t square dt। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी क्या है, किसी भी टाइम पे इसकी रफ्तार है, इसको इंटीग्रेट मान लीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका टाइम जो है 0 से t तक जा रहा है तो रफ्तार आपकी 0 से लेके v तक जा रही है, तो ये v हो जाएगा, ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा T² का इंटीग्रेशन t³/3 / 3 अपर लिमिट डाल दीजिए, माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, v आपका ये आ गया है, v अगर ये आ गया है v को आप क्या लिख सकते हैं ds/dt (t³/3), यहां से ds क्या आ रहा है t³/3 (dt) हमें क्या ds ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, मैंने कहा हाँ लाइफ जिंगा लला हो गई क्योंकि हमें पता है, हमें वर्क डन पूछा है 2 सेकंड पे, अच्छा वर्क डन ये नहीं पूछा कि t = 2 सेकंड पे बताओ, तब तो क्या वर्क बताओगे, है ना, वर्क डन हमेशा इंटरवल में होता है, 2 सेकंड में पूछा है मतलब ये पूछा है कि आप 0 से लेके 2 सेकंड तक तब आपका टाइम वेरी करेगा तो वर्क डन कितना होगा, मैंने कहा अच्छा बहुत शानदार, ओहो तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है आपके लिए 2T², ये हो गया है आपके लिए 2T² और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t³/3 dt, मैंने कहा अच्छा बाहर की तरफ क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, t² × t³ है t^5 आ जाएगा, t^5 dt हो जाएगा और लिमिट आपकी जा रही है 2 सेकंड यानी कि 0 से लेके 2 तक 2/3 है
टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 6, टी की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 है 0 से 2 तक। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया 2 बाई 3 इंटू 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 आ गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया आपके लिए 3 है ना 64 डिवाइडेड बाय 9 जूल, 64 डिवाइडेड बाय 9 जूल। तो ये आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं कोई भी। कुल मिला के मेरे कहने और समझाने का तात्पर्य ये था कि आप क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, फोर्स आपका फंक्शन ऑफ टाइम है, फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी टाइम की भाषा में ले आएंगे डीटी की टर्म में और लिमिट लगा दीजिए। ये हो गया भाई साहब ये टाइम का, ऐसे कोई कोई सर सवाल आए तो आप आसानी से कर पाएंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो ये वेरिएबल फोर्स, कई बार आपको जो है ना वर्क निकालने के लिए एक और जुगाड़ लगा सकते हैं। क्या दिया होता है? ग्राफ दिया होता है। क्या दिया होता है? ग्राफ दिया होता है, उसको बोलते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, कर्व दिया होगा और वहां से आपको निकालना होगा वर्क। तो कैसे निकाल सकते हैं आप? कर्व से वर्क, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। मान लो मैं एक सवाल लेता हूं, मान लो कि मैं एक सवाल लेता हूं। क्या है सवाल? मैं आपको बोलता हूं कि मुझे एक कर्व दिया हुआ है, कर्व कुछ इस तरह का है, कर्व कुछ इस तरह का है, यहाँ पे फोर्स है 3 न्यूटन का। फोर्स क्या है? 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैंने कहा अच्छा, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मान लो ये 6 है और ये वाली वैल्यू थी 3, ये 1, ये 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बॉडी यहाँ पे इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ये नीट का ही ले लेते हैं वैल्यू में। सर यह नीट 2005 में पूछा हुआ सवाल, लल्लू सवाल है। आप बोलेंगे क्या इसको बताई क्यों रहे हो? बहुत ही आसान है, नीट 2005 में पूछा हुआ सवाल है। आपसे बोला गया था वर्क डन बताइए, वर्क डन बताइए, है ना, फ्रॉम टी इज इक्वल टू फ्रॉम, है ना, वर्क डन बताइए जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो 0 से लेके 6 मीटर तक, यानी ऐसा आपका 0 से लेके कहां हो गया हो, 6 मीटर तक हो गया हो। अगर मुझे पूछा जाए कि 1 से 6 तो अलग होगा, 0 से लेके 6 तक सवाल में पूछा था और आपके साथ जो ऑप्शंस थे आपके सामने, आप ऑप्शंस को देख पता कर लीजिए, आपने मुझे ऑप्शन थोड़े याद होंगे, वैल्यू लगभग ये कोई ऐसी याद है। अभी देखा सवाल 3 न्यूटन का फोर्स है और उसके अंडर में बॉडी का जो है आपका फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया और आपसे पूछा गया है कि वर्क बताओ। अबे हम जानते हैं कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ आप एफडीएस करते हो तो ये जो आइटम आता है ना, ये तो बेसिकली एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया ही तो होता है। अरे इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है, इंटीग्रेशन इज बेसिकली सम ऑफ द इनफाइनाइट स्मॉल इनफाइनाइट आइटम्स का समी इंटीग्रेशन होता है, वो तो एरिया होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये एरिया है, ये एरिया ही हमारे लिए वर्क होगा। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं कि फोर्स वर्सेस एस का कर्व हो, मान लो कि ये फोर्स है और ये एस है, तो ये वाला एरिया क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ का वर्क डन क्या होगा? यहाँ का वर्क डन नेगेटिव होगा। इस तरह की बातें आपने पहले भी खूब सारी की है। यहाँ पे आपको एक्स इज इक्वल टू 0 से 6 मीटर तक पूछा गया है, तो यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एक्सिस के ऊपर की तरफ है, एक्सिस के ऊपर की तरफ है। यहाँ का वर्क हमें पता करना है। चलिए भाई साहब, तो मतलब कुल मिला के ये वर्क पता करना है तो हमें एरिया ही पता करना है। तो ये 3 हो गया, तो ये 9 हो गया है और ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस 3 इंटू आपके लिए इंटू 3, यानी कि 4.5 टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा। 9 + 4.5 यानी कि 9 + 4.5 हो गया है आपके लिए 13.5 जूल। क्या हो जाएगा? 13.5 जूल का वर्क डन यहाँ पे टोटल जो है एक्स इक्वल टू 0 से 6 मीटर जाने में करना किया गया है इस फोर्स का। अगर आपको इसी सवाल में पूछा जाता है कि 2 से लेके 6 के बीच में बताइए, तब भैया यही वाला एरिया लेते सिर्फ, है ना। तो ये बहुत रद्दी किस्म के सवाल में बता रहा हूं मैं, जानता हूं, लेकिन ये सही सवाल आते हैं, कोई बहुत ताबड़तोड़ सवाल हमें करने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी आता है पेपर, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बस इनका कैलकुलेशन सही करना है और किसी भी प्रकार की कोई सिली मिस्टेक हमें एग्जाम में नहीं करनी है। और हम ऐसे सवालों की प्रैक्टिस किए रहेंगे, बहुत सारे तो नहीं होगा, आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, मिस्टेक्स नहीं होगी। इट्स
गारंटीड। आगे बढ़ते हैं अपन, फोर्स के बारे में अपने खूब सारी बातें की। अब अपन बातें करते हैं कि भैया जो फोर्स है उसके वर्क वर्क की बातें अपने की है, तो क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। जैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो भैया वो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कई तरीके से जा सकते हैं, कई तरीके से आप जा सकते हैं। तो क्या ये पाथ पे डिपेंड करता है फोर्स, या फिर जिस पाथ से किया से किया, या फिर मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे, यानी सिर्फ पोजिशन पे डिपेंड करता है, या फिर पूरे पाथ पे डिपेंड करता है, या फिर ऐसा होता है कुछ फोर्सेस होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं और कुछ कुछ का वर्क डन जो है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है। कौन से पाथ से आप पोजिशन वन से पोजिशन टू पे गए इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेसिस पे हमने फोर्सेस को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एक है कंजर्वेटिव फोर्स और एक क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आप हेडिंग डाल दीजिए कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए भाई साहब, तो अपन थोड़ा प्रिसाइज तरीके से करते हैं, दो साइड बोर्ड को डिवाइड कर देते हैं, ऐसा लगे बहुत डेप्थ में हर चीज पढ़नी हो तो आपके अपने साथ लेक्चर अवेलेबल हैं वर्क एनर्जी पावर के, डिटेल्स में हर चीज वहां पे बताई हुई है। अगर कोई भी चीज आपको लगे थोड़ी और हमें जानना चाहिए, थोड़ा और ज्यादा हमें जानना है, तो वर्क एनर्जी पावर के 7 लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, फुल डेप्थ में अपने वहां पे सारी बातें की हुई है। अगर अपन बात करें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो इधर की तरफ अपन लिख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, कौन से वाले, कंजर्वेटिव फोर्सेज, और इधर लिख देते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन से फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव और कौन से वाले होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिसका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा और जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, मैंने कहा जिसका पाथ पे वर्क डन डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ। यहाँ पे क्या होगा, डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, वर्क इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस की बात करते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है क्या आपका वर्क जो है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, तो अगर एक क्लोज लूप की बात करेंगे, अगर एक क्लोज लूप की बात करेंगे, तो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन अगर एक क्लोज लूप के अंदर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, तो वो जीरो आने वाला नहीं है। अच्छा क्योंकि यहां पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आपने कभी एक चीज सुनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, सुना क्या, हाँ आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, लेकिन फ्रिक्शन की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में अपन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, यहां पे कोई पोटेंशियल एनर्जी का केस नहीं होता है, वो इलॉजिकल हो जाता है। एक ही अलग अलग पाथ से अलग अलग एक ही पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट ए से पॉइंट टू पे जाने के अलग अलग तरीके होंगे, तो वहां पे वर्क डन पे डिपेंड कर जाएगा कि फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर वो नॉनसेंस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लाया जाता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, अपन आगे उसकी बात अच्छे से करने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव के केस में ये नहीं होती है। यूजुअली जो फोर्सेज यहाँ पे अपन कंजर्वेटिव में बात करते हैं, ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। कैसे फोर्सेज होते हैं, सेंट्रल फोर्सेज, सेंट्रल
फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो सेंटर के अलोंग लगे, यानी कि यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, इनके बीच का प्रेम जो भी लगेगा वो इन दोनों के सेंटर से पास होगा। मान लो Q1 एंड Q2 है, मान लो कि Q1 एंड Q2 है, यानी आप पास जो भी फोर्स होगा वो लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर से पास होके जाएगा। इस तरह अगर एग्जाम्पल की बात करें, यूजुअली है ना, यूजुअली ऐसे फोर्सेस कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एक एग्जाम्पल, इनका अच्छा चल जाओ पेन यार। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और बात करें तो अपन स्प्रिंग फोर्स की बात कर सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, और बात करें, और अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट्स है। ये क्या होता है? ये भी कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यूजुअली कैसे होते हैं? ये यूजुअली वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होते हैं और रिटार्डिंग नेचर के होते हैं। वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं, मैंने कहा। अच्छा, और कैसे नेचर के होते हैं? रिटार्डिंग नेचर के होते हैं। मैंने कहा अच्छा। एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फ्रिक्शन है हमारे पास, विस्कोसिटी है, क्या है? विस्कोसिटी है। एयर रेजिस्टेंस है, क्या? एयर रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं अपन। और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा वाला? मैग्नेटिक फोर्स है ना, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है ना, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें यानी कि किसी भी मूविंग चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देंगे तो उस पर एक फोर्स लग सकता है, दैट इज F इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी। तो वो भी फोर्स कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेटेड होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरह से वर्क डन के साथ रिलेटेड है, ये बात करते हैं अपन। आप जानते हैं इस बात को अच्छे से कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली माइनस ऑफ डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली माइनस ऑफ डेल्टा यू। यू क्या है? यू इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर अपन इस चैप्टर की बात करें तो एक है वर्क, दूसरा क्या है? वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कई तरह की एनर्जीज होती है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें जो कॉमन एनर्जी की बातें हम करते हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी। इसमें दो तरह की एनर्जी की बात करते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ द मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू वर्च्यू ऑफ द स्टेट, यानी पोजीशन के कारण। जो पोटेंशियल एनर्जी भी कई तरह की अपन बात करते हैं, यहां बात करेंगे खास करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, और बात करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ के एक्स स्क्वायर की। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी कि ये आ जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का नेगेटिव, यानी कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। जब भी कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन चाहिए तो आप इनिशियल माइनस कर दीजिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है, इन वाले फोर्सेज की कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात करने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ज्ञान आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेते हैं, है ना। तो खैर, हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसानी से हम बताते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बेसिकली रेफरेंस लाइन हम एक डिफाइन करते हैं और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं जीरो बोल दूं और मैं मास को एच हाइट ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैं बोल सकता हूं एम जी एच। अब आप समझदार हैं कि एम इज टोटल मास है,
जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच क्या है, एच इज द रेफरेंस लाइन से सेंटर ऑफ मास की हाइट है, किसकी, सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी, ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे अगर आप एच वन हाइट में नीचे आ जाएंगे, माना कि यहाँ की जीरो है तो यहाँ की होगी माइनस ऑफ एम जी एच वन, अगर मान लो कि यहाँ की 5 जूल होती तो यहाँ की क्या होती 5 प्लस mgh, ओ और यहाँ की क्या होती 5 प्लस माइनस ऑफ mgh1 है। अच्छा तो एक बात यहाँ पे साबित हो गई है हमारे लिए, क्या कि भैया पोटेंशियल एनर्जी हम किसी पॉइंट की निकाल ही नहीं सकते, तो ये क्या निकाल रहे हैं, मैंने कहा तो आपने रेफरेंस बोला कि यहाँ की जीरो है तो यहाँ की इतनी होगी, मैंने कहा हाँ, कोई आपको बोले किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बताइए तो आप बोलेंगे चचा की किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं निकाल सकते, हम तो सिर्फ डेल्टा यू निकाल सकते हैं, यानी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां जीरो बोलूं तो यहां पे आपका एमजीएच होगा, यहां पे अगर 100 जूल है तो यहां का 100 प्लस एमजीएच होगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जीरो, एच इज वर्टिकल हाइट हो जाएगी, किसकी, सेंटर ऑफ मास की, कहां से, रेफरेंस लेवल से। अच्छा बहुत बढ़िया, इतनी बता अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप समझ गए ना, खूब सवालों में काम आती है, बस ये बताना चाहिए एच इज द हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन और वो सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है ना, ताकि वो चेन वेन वाले सवालों में आप फंसेंगे नहीं, सेंटर ऑफ मास आपको आइडिया होगा, टक से कर लेंगे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दूसरा अगर पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो अपन बात करते हैं, अच्छा क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दूसरी तरह की पोटेंशियल एनर्जी जो हमें बात करनी चाहिए वो है आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो तुरंत मैं बताता हूं क्या था उसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद हो तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए आई थी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, अगर बॉडी को आप एक्स वहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कहां से, मतलब जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से है, वो आपका है नेचुरल लेंथ से, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के है, एल नॉट इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है, क्या है, नेचुरल लेंथ है, मान लो कि यहां पे इलोंगेशन एक्स कर देंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आने वाली है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर, लेकिन ये तभी सही होगी जब आप नेचुरल लेंथ पे u at natural length को जीरो ले लें, अगर आप नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेंगे तो एक्स इलोंगेशन या एक्स कंप्रेशन दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव आता है ना। अच्छा ओहो, अगर आप खींचेंगे तो स्प्रिंग वापस आ जाएगी, यानी आप स्प्रिंग का वर्कडन नेगेटिव होगा, आपका वर्कडन पॉजिटिव होगा, आपने उस पे वर्क किया तो आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही केस में बढ़ेगी, आप दबाएंगे तो आपका वर्कडन पॉजिटिव होगा, नहीं आपने सिस्टम पे वर्क किया यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे जीरो है तब आपका एक्स इलोंगेशन होगा, तब आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, वरना क्या होना चाहिए, यू एट एक्स इज इक्वल टू यू एट नेचुरल लेंथ प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स वहां पे क्या है, इलोंगेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, कहां से लिया जाता है, वो नेचुरल लेंथ से लिया जाता है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो बहुत शानदार, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हो गया, दो पोटेंशियल एनर्जी की अपन यहाँ पे बातें करते हैं। अब आगे जाके अपन क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि भैया कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी आपस में रिलेटेड है, थोड़ी सी बातें यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी है ना। सवाल अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते हैं, कुछ अच्छे खासे सवाल, वर्क एनर्जी थ्योरम को इन्वॉल्व करवाएंगे, पावर को बात करेंगे, तब अपन कुछ सवाल देखेंगे, अभी मैं जस्ट आपको थ्योरी की बातें बताता हूँ भैया, ये यही कॉन्सेप्ट है, इनसे सवाल हो जाएंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। डेप्थ में आप कहां पढ़ सकते हैं, जहां पर डेप्थ में लेक्चर्स अवेलेबल है ना, डिवीजन का मतलब होता है कि भैया कॉन्सेप्ट सारे मैं बता दे रहा हूं आपसे और उससे सवाल होंगे, इस बात की गारंटी दी जाती है। हेडिंग आप डाल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स कैसे रिलेटेड है भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज बेसिकली माइनस ऑफ डेल्टा यू बाई ds, माइनस ऑफ डेल्टा यू बाई डी एस है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, f.ds है ना आपका इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो ये आ गया है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, जो कि आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आपके लिए क्या आ गया है, यू इनिशियल माइनस
यू फाइनल का। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको बोलूं कि एफ मेरे पास है बेसिकली, यू मेरे पास है, यू इज बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है ना, इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। मुझे कुछ भी फंक्शन दे दिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से वेरी करती है, तो क्या मैं एफ लिख सकता हूं? मैंने कहा एफ इज बेसिकली माइनस ऑफ डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स आई कैप। अच्छा ये क्या लिखा है, ऐसा टाइप का, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी कि आप एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए कीपिंग वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट। माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड के कैप। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ भी ऐसा फंक्शन बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से वेरी कर रही है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब है ना, तो मुझे फोर्स अगर चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा माइनस ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या आएगा? मैंने कहा ये हो जाएगा टू, इधर आ जाएगा, तो ये फोर एक्स वाई जेड क्यूब आई कैप। मैंने कहा अच्छा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड क्यूब जे कैप। मैंने कहा अच्छा z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थ्री आ जाएगा यहाँ पे माइनस, यानी माइनस हो गया थ्री, यहाँ पे आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। जब मैं z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x और y को कॉन्स्टेंट मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैं वो डिफरेंशिएशन जो कर रहा हूं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। थोड़ा सा ऊपर से घुमा हुआ है पिचुक टाइप का, इसका मतलब ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आई कैप जे कैप एंड के कैप हो गया, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, तो आप इस तरह से ये पता कर सकते हैं। अच्छा आपको ये पता लगा कि भैया जो है बेसिकली एफ जो है आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज बेसिकली माइनस ऑफ डेल्टा यू बाई डी एस। अच्छा बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखिए कि मान लो कि du by ds का ये जो डिफरेंशिएशन है ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका मतलब नेट फोर्स क्या हुआ है, जीरो। इसका मतलब क्या ये बोल दो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है? मैंने कहा नहीं। तो क्या ये बोल दो कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है? मैंने कहा यस, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। किसमें है? इसका मतलब बॉडी क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अब ये इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। कैसे पता करते हैं कि कोई इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है ना? अगर मान लो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसको उस पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, उसको उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं और वो लौट के वापस उसी पोजीशन में आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को प्यार से क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है, है ना? और अगर मान लो कि मैंने उसको डिस्टर्ब किया और वापस नहीं आया, भाई साहब कट लिया कि नहीं आना है हमको पुरानी पोजीशन पे, तो क्या हुआ है, अनस्टेबल हो गया। और मान लो कि मैंने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, दूर दूर खींच के रख दिया और वो वहीं पे चिल कर गया, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में ही है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इक्विलिब्रियम कौन सा वाला, ट्रांसलेशनल, वो तीन तरह का हो सकता है। पहला है आपके पास स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि आप आसान भाषा में बात करें तो मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर क्या रखती है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि एक बॉल रखती है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खींच के ले गया, वहां से रिलीज कर दिया, तो ये लौट के वापस आएगी, लौट के वापस आएगी, तो इसको ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। अच्छा भाई साहब, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपका फोर्स जीरो होगा, यानी कि du by dx यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे du by dx की बात करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम की मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एनर्जी कम हो। जैसे अपन बॉल को फेंकते हैं तो नीचे ही आती है, ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि एनर्जी कम हो, सो जाए आराम से, है ना, रूम में आग लगा देंगे, एनर्जी बढ़ेगी, हमारा मन बाहर जाने का होगा ना यार, है ना, ऐसा थोड़ी आग में चलते हैं, आओ हीट बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, नहीं ना। ओहो, तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व बना रहा हूं। मान लीजिए कि वाई एक्सिस पे मैंने यू लिया है, मान लीजिए कि वाई एक्सिस पे मैंने यू लिया है और एक्स एक्सिस पे मैंने एक्स लिया है, एक कर्व है यहाँ पे इस तरह का, मान लो कि मैंने एक कर्व बना दिया है, पोटेंशियल एक्सिस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है, यहाँ पे एक पॉइंट आर है और यहाँ पे एक पॉइंट है
आर एस पॉइंट है। मान लीजिए अगर आप ध्यान से देखें तो आप मुझे बताइए कि वो कौन से बिंदु है जहां पे इक्विलिब्रियम है। आप बोलेंगे पी क्यू आर एस पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहां सब पॉइंट पे क्या है, स्लोप जीरो है। डीयू बाई डीएक्स करो का स्लोप जीरो है, इसका मतलब यहां पे फोर्स क्या है जीरो है। यहां पे फोर्स जीरो है, मैंने कहा अच्छा फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। अब मैं यहाँ पे एक टी पॉइंट बोल देता हूँ, यहाँ पे फोर्स जीरो है क्या, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे कुछ स्लोप आ रही है तो वो एक पॉजिटिव स्लोप आ रही है, इसका नेगेटिव मतलब नेगेटिव टाइप का फोर्स है। अच्छा नेगेटिव टाइप का फोर्स है मतलब कैसा है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सन है। मान लीजिए चलिए अगर अपन ध्यान से देखें, मान लो फील्ड की बात करें, अगर आप ध्यान से देखें मान लो कि यहाँ मास एम वन है और यहाँ पे मास क्या है एम टू है और दोनों के बीच की दूरी आर है ना। इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, इन्फिनिटी पे जीरो लेके अपन चलते हैं। अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हो तो पोटेंशियल एनर्जी एट आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, है ना, रिवीजन है अल्लाह इसलिए बता रहे हैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते तब ये करते हैं, आर को इन्फिनिटी डाल दो क्या होगा जीरो, वैसे अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल नहीं सकते। अज्यूम करते हैं इन्फिनिटी पे इसका फोर्स उसमें कुछ नहीं लग रहा होगा, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या है जीरो। अब यहाँ पे आप आर को बढ़ाओगे जैसे डी आर इधर की तरफ खींच के लेके गए, ये मान लो फिक्स है, ये मान लो फिक्स है, इसको मैंने फिक्स किया और इसको एम टू को उधर खींच के लिया तो क्या आर बढ़ेगा, मैंने कहा हाँ आर बढ़ेगा तो ये वाला मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैंने कहा घटेगा, विद माइनस साइन है तो बढ़ेगा, यानी आपके आर को बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, आर के बढ़ाने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, ये गलत बात है। वो ये इसको खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कि नहीं, बढ़ने का अपोज करेगा, यानी फोर्स आपका कैसा लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, यानी कि आपका जो डीयू बाई डी आर है, डीयू बाई डी आर है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आर के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो ये रेट पॉजिटिव आ गई तो फोर्स आप इसका नेगेटिव, यानी कि फोर्स कैसा होगा, फोर्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव नेचर का होगा, कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अच्छा यही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्यू वन होता, यहाँ पे क्यू टू होता, बीच की दूरी आर होती, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर है, क्यू वन एंड क्यू टू दोनों पॉजिटिव है, क्यू वन एंड क्यू टू दोनों क्या है पॉजिटिव, इसको मैंने फिक्स कर दिया। मान लो कि इसको मैंने फिक्स किया, ओहो, फिर क्या किया, मैंने कहा अगर मैं क्यू टू को थोड़ा इधर लेके जाऊं तो क्या होगा भाई साहब, आर बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कम होगी, क्यों, आर के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अच्छा भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जो डीयू बाई डी आर कैसा होगा, मैंने कहा ये तो नेगेटिव आएगा, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि फोर्स कैसा आ जाएगा, माइनस ऑफ डीयू बाई डी आर फोर्स आ जाएगा पॉजिटिव, फोर्स आ जाएगा पॉजिटिव और वो होगा रिपेल नेचर का, है ना, वो रिपेल करने वाला होगा, वो रिपेलिंग नेचर का होगा। अच्छा तभी क्या होगा, ये क्यू वन को आप क्यू टू दूर लेके जाएंगे, पॉजिटिव है, क्यू वन बोलेगा भाई जा ना और दूर जा यार, और दूर जा, जितना दूर जाना जा, लेकिन अगर यही Q2 नेगेटिव होता, तो यहाँ माइनस ऑफ Q2 डालते तो कार्यक्रम उल्टा हो जाता, यानी वो अट्रैक्ट करने लग जाता। अच्छा यहाँ पे अगर आप फील लें P वाले पॉइंट से थोड़ा इधर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी है यहाँ पे, कम होने लगी, यानी डी यू बाई डी आर कैसा है, डी यू बाई डी आर जो है वो नेगेटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी रिपेल करेगा, यानी कि वापस बुलाएगा ही नहीं, ये इधर की तरफ भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, यानी आपने इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, वापस बुलाया ही नहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे आपने थोड़ा सा आर बढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, डीयू बाई डी आर कैसा आ गया है वहां पे, पॉजिटिव आ गया, फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव, यानी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दूर जा रहा है, नहीं दूर नहीं जाना है, वापस आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा, पहली बात ही पता है क्या यहाँ इक्विलिब्रियम है, मैंने कहा कैसा है अनस्टेबल है, क्या यहाँ इक्विलिब्रियम है, मैंने कहा कैसा है स्टेबल है, इक्विलिब्रियम है यहाँ कैसा है अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम है क्या नहीं है, अच्छा यहाँ बताइए आप थोड़ा सा दूर लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम है, और ऐसे इक्विलिब्रियम को प्यार से क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, तो खेला यहाँ खत्म हो गया। अगर आप ध्यान से देखें स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पे आपने इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और बॉडी लौट के वापस आती है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को प्यार से स्टेबल बोलते हैं, उसकी कंडीशन है डी बाई डी एक्स जीरो, और सेकेंड आ जाएगा आपका डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें जो आपका फोर्स, जो आपका यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखें ये आपको क्या बताएगा,
इसका मैक्सिमा या मिनिमा बताता है, ये आप जानते हैं ना, फंक्शन से हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में d2u/dx जो है, अगर आप ध्यान से देखिए स्टेबल कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, तो इस वाले केस में ये ग्रेटर देन 0 होगा, d2u/dx² क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप का सीन बनेगा, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। यहां एग्जांपल के लिए अगर आप बात करें, एग्जांपल के लिए यहां पे है आपके पास Q, एग्जांपल के लिए क्या है, Q पॉइंट है, यहां पे d/dx 0 है और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। दूसरा टाइप का जो इक्विलिब्रियम है, अच्छा ऐसा एग्जांपल बताए तो ये आपको समझ आएगा, यही अगर कटोरा को उल्टा कर देते अपन और ये बन जाता आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कि हम ऐसा एक कटोरा ले लिए हैं, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक आइटम रख दिया है, उसको नीचे की तरफ खींचा हमने थोड़ा सा, और वहां पे देखिए वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, उधर कंचा जो है ऊपर रखा होता, वो थोड़ा इधर खींच के रखोगे, उसको डिस्टर्ब करके रखोगे तो वापस इक्विलिब्रियम में आने वाला नहीं है। यानी यहाँ पे वो कैसे इक्विलिब्रियम में था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। यानी पहली कंडीशन क्या है, du/dx यहाँ पे क्या था, du/dx आपका अगर आप x मान लो, x के साथ ही है ना सारा कैसे, मान लो कि x में ही है, तो du/dx क्या था, 0 था। अगर s रखो तो यहाँ पे सारा s रख देना, du/dx जो है वो आपका यहाँ पे 0 था, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम थी, यानी कि यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमा था। अगर आप फंक्शंस की भाषा में बात करें तो यहाँ पे आपका मैक्सिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ मिनिमा है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा मैक्सिमा है, ये इसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, ये आपका लोकल मैक्सिमा, ये मिनिमा। अच्छा भाई साहब, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो है d2u/dx² जो है वो लेस देन 0 आएगा, यानी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का सीन बनेगा, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे P&R हुए, P&R पॉइंट जो है यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तीसरा टाइप का इक्विलिब्रियम जो है वो हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है भाई साहब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नाम से साफ दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पे आप इधर उधर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि du/dx तो 0 होगा ही पहले, तब तो इक्विलिब्रियम हो गया है। और दूसरी बात क्या है, मैंने कहा दूसरी बात यह है कि d2u/dx² वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, d2u/dx² भी वहां पे क्या होगा, 0 होगा। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओहो बहुत बढ़िया, तो ये आपका हो गया। अब आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा, मैंने कहा सवाल आपको कुछ फंक्शन दे देगा, फिर आपसे पूछ देगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, अगर है तो बताइए कि कौन सी नेचर का। अच्छा स्टेबल होता है तब एक और चीज होती है, वो स्टेबल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, फिर खींच के छोड़ देते हैं, फिर बॉडी ऐसे टक 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 करती है टू एंड फ्रो टाइप की मोशन। अगर मान लो f = kx का फॉर्मेट बन जाए तो HSM वहां पे डाल देते हैं, HSM डाल देते हैं तो फिर टाइम पीरियड वगैरह के सवाल भी घुसाए जा सकते हैं। तो एक सवाल बनाने की मतलब अलग अलग चैप्टर में ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, अपन एक सवाल बनाते हैं। मान लो कि मैं आपको बोलूं, मान लो कि मैं आपको ऐसा बोलूं, कैसा बोलूं कि बॉडी है जिस पे एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि आपको सवाल ऐसा बोल दूं मैं, f = ax² - bx, एक ऐसा फोर्स लग रहा है और इसमें a and b are पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, ये क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, a and b are पॉजिटिव कांस्टेंट है। अच्छा अब आप बताइए कि पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है और वो कैसा है, इक्विलिब्रियम वहां पे कैसा है, यानी कि उसकी नेचर आप बताइए, उसकी नेचर क्या है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। फोर्स लग रहा है f = ax² - bx। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पहले इक्विलिब्रियम पता करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, u = ax² - bx, a and b are पॉजिटिव कांस्टेंट। अब आपको पता करना है इक्विलिब्रियम होगा 0 होगा, यानी कि du/dx वहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मास्टर पता नहीं क्या सोच रहा है दिमाग में, इधर उधर पता नहीं क्या, कोई बात नहीं, आओ कम की बात करते हैं, बोर्ड पे सामने जब कोई नहीं होता है, खाली बेंचेस, पता नहीं दिमाग में क्या क्या आता है, है ना, ऐसे फील नहीं आती, क्या कोई बात नहीं, जितनी आती है उतने में काम चलाते हैं। du/dx
निकालते हैं डी यू बाई डी एक्स से, डी यू बाई डी एक्स का अगर निकालें तो ये वैल्यू आपके लिए हो जाएगी टू ए एक्स माइनस बी। अब इक्विलिब्रियम होगा तो ये कार्यक्रम होना चाहिए जीरो, यानी x की वैल्यू है यहाँ पे आपके लिए b डिवाइडेड बाय 2a। एक बात तो साफ हो गई है कि b डिवाइडेड बाय 2a पे आपको x की वैल्यू b डिवाइडेड बाय 2a पे आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब हमें चेक करना है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उसके लिए क्या निकालना होगा, उसके लिए निकालना होगा d2 बाय dx स्क्वायर और फिर से करना होगा इसको डिफरेंशिएट। तो ये तो 2a माइनस 0 आ गया है, यानी 2a आ गया है, 2a आने का मतलब 2 into a और a and b are positive constant, इसका मतलब ये एक positive quantity है, इसका मतलब ये greater than zero होगा, इसका मतलब ये x की कोई से भी value हो, यानी कि x की ये value पर बेबी d2 u by dx square आपका पॉजिटिव होगा, d2 u by dx square अगर पॉजिटिव हो इसका मतलब क्या है, वहां पे मिनिमा मिलेगा, वहां पे मिनिमा मिलेगा, यानी कि ये वाले पॉइंट पे x is equal to b by 2 पे आपको क्या मिल रहा है, d2 u by dx square पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके लिए मिनिमम मिल रही है और फोर्स जीरो हो रहा है, यानी कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि 2a जो है वो आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी फॉर हर वैल्यू ऑफ x है ना, वो हर वैल्यू ऑफ x के लिए, मान लो कुछ फंक्शन ऑफ x आता तो ये वाली वैल्यू डालते फिर उसमें, अरे भाई कुछ भी ऐसा x का फंक्शन आ जाता मान लो ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू डालते हैं फिर चेक करते कि वहां वाले पॉइंट पे d2 u by dx स्क्वायर पॉजिटिव है नेगेटिव है, जीरो है, जीरो होता तो न्यूट्रल होता, पॉजिटिव होता तो वहां तो अपने अपवार्ड, यानी कि यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता और उल्टा होता तो अनस्टेबल मिल जाता। हमको लगता है कि एक घंटे के आसपास का टाइम हो गया, इससे ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए अपने को, अगले वाले में अपन बात करेंगे, अगले वाले लेक्चर में हमने इस बार में थोड़ी सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखें, बट क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व कीजिए, 32 ईयर 33 ईयर जो भी आपके पास है सारे सवाल सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट यही है सारे सवाल सॉल्व होंगे, जो नहीं हो रहे हैं वो डिस्कस कीजिएगा। और अगले वाली क्लास में अपन बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब सारे सवाल के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे, फिर बात करेंगे अपन पावर की, किसकी पावर की, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस पावर, कुछ सवाल प्रीवियस ईयर वगैरह के, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी एंड पावर का ये चैप्टर खत्म हो जाए। अरे बड़ा आसान है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसान से सवाल आते हैं, आप फोड़ देंगे इस मास्टर को विश्वास है ना, क्या बहुत टफ सवाल बनाए जा सकते हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं, हमारे एग्जाम की डिमांड ही नहीं है, हमारे एग्जाम की मतलब डिमांड ही नहीं है, सवाल बहुत ईजी आएंगे, बस डिमांड क्या है, उस सवाल को एक तो आना चाहिए, इजी है तो क्या हुआ, आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए है ना, इजी तो उसके लिए जिसको आता है, आपके लिए इजी तब होगा जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है और सवाल को सॉल्व करना आता है, जो कि आप मेहनत करेंगे तो आपसे आ जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वो आता है लेकिन वो आप एग्जाम में सही से करें है ना, तो भैया आप एकदम मतलब पॉजिटिव रहने का, मोटिवेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कभी कभी आपको सोचते हैं तो बहुत ही टफ चीज या अच्छी चीज को भी बहुत बढ़िया से कर देते हैं, कभी कभी ऐसे फ्रस्टियाए रहते हैं, दिमाग कहीं रहता है तो बहुत आसान चीज में भी आपका ध्यान नहीं जाता है, ये मतलब हमारा नेचर ही इस तरह का होता है, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बाकी बहुत सारी चीजें भगवान के हाथ में ही होती है, स्क्रिप्टेड ही होती है, हम तो अपनी ओर से मेहनत कर सकते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।